अभी तो आप विपक्ष में हैं, आखिर धर्म के इन ठेकेदारों को कैसे रोका जा सकता है भाई, कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि कब तक, अब हम 21वीं सदी में हैं जहां सब कुछ काफी ज्यादा मॉडर्न है, बावजूद इसके हिंदू मुस्लिम का ये झगड़ा अब भी बरकरार है, जस का तस है। नहीं पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा किया। देखिए, हमारे देश में अगर जो अमन चैन रखना है तो हमें धर्म के नाम पर, जब से हमारे यहाँ राजनीति की शुरुआत हुई तब से हमारी कट्टरता बढ़ती चली गई। और धर्म के नाम पर, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, कुर्मी समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, सिंधे साहब बैठे हैं हिंदू संगठन के पदाधिकारी, हम पर जब कोड़े पड़ते हैं, हम मारे पीटे जाते हैं, हमारे हाथों को पीने जाते हैं, कि हिंदू संगठन हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ता, उस समय हम एक्सीडेंटल हिंदू होते हैं, क्योंकि चुनावी हिंदू होते हैं, हमें वोट लेने तक सीमित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है, इसलिए अभियान है, सारे हथकंडे भारत देश में फेल हो चुके हैं, यहाँ तक कि भगवान राम का नाम उन्होंने बेचना चाह वो भी फेल हो चुके हैं। मेरे अयोध्या से उदेश प्रसाद जी की जीत ये तय करती है कि भगवान राम हिंदू के नाम पर कोड़े बरसाना, भगवान राम के नाम को बदनाम करना, ये भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा। और मैं निवेदन करता हूँ कि माननीय मोदी जी और संघ के लोगों से, संघ की जो विचारधारा रही है वो हमेशा पिछड़ों के खिलाफ रही है, आदिवासियों के खिलाफ रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लेकर चलने का काम कर रही है, उसके सिर्फ एक रास्ता तय करना है, आपस में करो, हम अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गए, तो मुस्लिम लड़ता रहेगा, सरकार बनती रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप देखना ये होगा कि आखिर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन लिया जाता है। अगर कोई भी देश की अमन शांति को भंग करने की कोशिश करता है और ज्यादा हिंदू मुस्लिम करे और धर्म परिवर्तन की बात करे, बार बार इसका जिक्र करे, तो उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीका है मुंह तोड़ जवाब देने का भविष्य के लिए भी उन लोगों को जो आगे चलकर धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, फिर चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। आप सबका बहुत बहुत